आखिर दौरा के शो बिना तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुशआमदीद कहती हूं आप टेक टीवी के youtube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज के शो में बातचीत होगी पाकिस्तानी ब्रिटिश इस्लामिक प्रीचर अंजुम चौधरी की दहशतगर्दी की मद में उम्र कैद की सजा पर और एक कनाडियन खालिद हसन नामी शख्स की 5 साल कैद की सजा पर इसके अलावा हम जायजा लेंगे भारतीय फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान पर कि भारत और चीन के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरा यूक्रेन के ऐलान पर इसराइल हमास लड़ाई के बाद इसराइल हूतियों और इसराइल हिजबुल्ला की झड़पें फैल रही हैं। क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग कोई खतरनाक रूप अख्तियार कर सकती है पाकिस्तान के हवाले से हम जायजा लेंगे कि क्यों इमरान खान एक बार फिर यू टर्न ले रहे हैं और फौज के साथ मुख के लिए तैयार हैं। आखिर में बात करेंगे यूएस इलेक्शंस के हवाले से तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं हम पाकिस्तानी ब्रिटिश इस्लामिक प्रीचर अंजुम चौधरी की दहशत की मद में उम्र कैद की सजा पर और इसी केस के साथ मुंसलिक एक कनेडियन खालिद हसैन नामी शख्स की पांच साल की कैद की सजा पर आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये केसेस क्या हैं और इनके पीछे क्या महाराकत हैं देखिए अंजम चौधरी एक अरसा दराज से जाने जाते हैं अपने बहुत ही दहशत गर्द ख्याल की वजह से और नाइन अलेवन के बाद भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए फिर वो गिरफ्तार भी हुए और गिरफ़्तार हुए तो ख़ास तौर पर दाइश जो खिलाफत इस्लामिया के लोग हैं उनकी हमायत में उनके एक ग्रुप है जिसका नाम है अलमाजरून वो उसमें गिरफ़्तार हुए फिर वो छूट गए दो साल जेल में रहने के बाद फिर अब ब्रिटिश पुलिस अमेरिकन अथॉरटीज़ और कैनेडियन आर की इन्वेस्टिगेशन के नतीजा में आ, बहुत सारे और हक सामने आए और पिछले साल गालबंदी इनको गिरफ़्तार किया गया यहाँ से कैनेडा से एक यंग चैप खाल हुसैन थे जो एडमिटन में रहते हैं ख़बरों के मुताबिक वो इंग्लैंड गए तो उनको इंग्लैंड एयरपोर्ट पे ही गिरफ़्तार कर लिया गया और अब रिसेंटली कन्विक्शन हुई इन दोनों की अंजम चौधरी की उम्र कैद के लिए कन्विक्शन हुई है और ख़ालद हुसैन की पाँच साल के लिए कन्विक्शन हुई है इन पर इल्ज़ाम हैं कि ये खिलाफत इस्लाम दाइश को सपोर्ट करते थे और इवन मिस अंजम चौधरी तो मोहम्मद बकरी जो दाइश के एक बहुत ही खौफनाक टेररिस्ट थे उनके जानशीन के तौर पर सामने आए तो इनकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई इन इन्वेस्टिगेशंस के दौरान आ, जो अंडरकवर थे कैनेडियन आरसीएमपी पुलिस के लोग और ब्रिटिश ख़ास तौर पर तो वो अंडर कवर के इनके साथ जो सोशल मीडिया पे बैठते थे आ, वो ख़ुद भी अंडर कवर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर बैठते थे तो मिस्टर अंजम चौधरी खुल के बातें किया करते थे कि किस तरह ये दुनिया में खिलाफत इस्लामिया को बरकरार करना चाहते हैं किस तरह दहशत गर्दी के जो इंसिडेंसेस हैं उनको भी वो ग्रेज़ नहीं करेंगे उनको भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये गिरफ़्तार हुए फिर से और इनकी कोर्ट में अब कन्विक्शन हुई है उमर कैद की सज़ा और मिस्टर खालिद हुसैन जो काफ़ी रेडिकल हैं और ये दोनों एक इस्लामिक इस्लामिकमहाजरून से मुतलक़ा है इस्लामिक थिंकर्स सोसाइटी उन दोनों से भी मुसलिक थे खालिद हुसैन ने बाद में अपने आप को जुदा कर लिया आ, उस इस्लामिक थिंकर्स सोसाइटी से लेकिन देखिए ये एक अफसोसनाक किस्म का माइंड है और अंजम चौधरी बहुत जाने जाते हैं इस तरह के माइंड में अपने आप को उन्होंने उसमें ढाला हुआ है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ये नाइन अलेवन के बाद जैसा मैंने शुरू में कहा ये मंजर आए थे चलिए अब इस इस सिलसिले में अगर आप इन गिरफ़्तारियों से क्या ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म का ख़तरा जो है वो अभी भी सरों पर मंडला रहा है बिल्कुल जी ये हमेशा से सरों पर मंडला रहा है कोई ऐसा मामला नहीं है कि ये ख़तरा कहीं चला गया था ख़ास तौर पर नाइन अलेवन के बाद हम मुसलसल देखते हैं यूरोप के बहुत सारे शहरों में अटैक हुए अफ्रीका में चल रही है टेररिज्म, हमास का टेररिज्म का जो रवैया है ना सिर्फ ये सात अक्टूबर दो हज़ार तेईस की बात है इससे पहले भी वो ये करते रहे हिजबुल्ला इन सब को ईरान सपोर्ट करता है हुतियों का मामला आ, फिर यहाँ कैनेडा में कई टेररिज्म के वाकयात हो चुके हैं और अगर किसी का ये ख्याल है कि इस्लामिक टेररिज्म के खतरा अब चले गए हैं तो वो बहुत नई लोग हैं हमेशा से ये खतरा हैं और दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ख़ासतौर पर हमारी कैनेडा की इंटेलिजेंस एजेंसी बरतानिया की अमरीका की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भारत की ये सब बहुत कंसर्न्ड हैं इवन इस्लामिक देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां वो बहुत कंसर्न है हम अभी आपको याद होगा पिछले साल दुबई में थे तो वहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस के लोग बता रहे थे कि वो कितने कंसर्न्ड हैं सऊदीज बहुत कंसर्न हैं तो ये जो टेर्रज़म का मामला है ये काफ़ी पचीदा है और ये ख़तरात कभी भी कहीं नहीं गए ये माइंड सेट हमेशा रहता है अब आप देख लीजिए टेररिज्म को पाकिस्तान की रियासत ने इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी अपने कश्मीर कॉज के लिए सपोर्ट किया अफगानिस्तान में सपोर्ट किया अब वही कह रहे हैं कि हम खुद टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार है क्योंकि जब आप इस तरह के मॉन्स्टर्स पालेंगे तो वो फिर आपके ख़िलाफ़ भी होंगे तो ये जो ख़तरा हैं टेररिज्म के आ, ये बिल्कुल बहुत रियल हैं फ्रांस के सदर ने डेढ़ दो साल पहले कहा था कि भई मैं इससे बहुत कंसर्न हूँ और मुसलमान कम्युनिटी को ये इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिस्ट टेररिज्म के ख़ात्मे के लिए कुछ करना होगा चलिए अब इस तरफ आते हैं आप अक्सर महफिलों में कहते हैं कि मगरबी ममालिक में मुसलमानों की मास इमिग्रेशन के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट और तनाव है वो बहुत बढ़ता जा रहा है तो ऐसी क्या वजह है कि वो ख़ास तौर पर एडजस्टमेंट्स के प्रॉब्लम्स के साथ तनाव बहुत ज़्यादा होता है देखिए बात यह है कि मैं ये बात हमेशा महफिलों में भी कहता हूँ अपने व्लॉग्स में भी कहता हूँ कि मुस्लिम कम्यूनिटीज़ और मगरबी मुल्कों के जो रिश्ते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं अब जैसे हम कनाडा में देखते हैं कैनेडियन सरकारों की बहुत कोशिश होती है चाहे कन्जरवेटिव और ख़ासतौर तो पर लिबरल की तो बहुत कोशिश है कि किसी तरह से इस्लामोफोबिया ना फैले इस्लामोफोबिया भी एक ऐसी असला पोलिटिकल असतलाह है जिसका मकसद ये है कि इस्लाम और मुसलमानों पर तनकीद करने वालों आ, को चुप कराया जाए हालाँकि इसमें मेरी ज़ाती राय में इस्लाम तो एक दीन है एक आइडियालोजी है उस पर कोई भी अपनी राय का इजहार कर सकता है उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे पास हाँ अलबत्त किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे ये कहना जैसे सिखों के बारे ये कहना या सुमालियों के बारे ये कहना अफ्रीकियों के बारे कहना या मुसलमानों के बारे कहना कि ये लोग बड़े गलत होते हैं इस तरह की बात एथिकली भी और लीगली भी कहना ठीक नहीं है लेकिन किसी भी आइडियालॉजी या फिलासफी या मजहब पर कोई भी तनकीदी बात करना कोई इशू नहीं है लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्यों मगरबी दुनिया में हम देख रहे हैं कि राइट विंगर्स आ रहे हैं और जो मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं उनके खिलाफ एक रिएक्शन बढ़ रहा है इसलिए कि मुस्लिम कम्यूनिटीज़ की मैस इमीग्रेशन हुई है ख़ास तौर पर कैनेडा में रिसेंटलीस में हमने देखा बरतानिया में मैस इमीग्रेशन हुई थी साठ सत्तर साल पहले अभी भी वहाँ होती रहती है मगर कम हो गई है एटलीस्ट पाकिस्तानियों की या मतलब चूँकि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं ये जो इस्लामिक टेर्रज़म के हवाले से इनके नाम बहुत आगे आते हैं मतलब आपको इवन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरानी सरकार आ, लबनान हुती यमन में और फलस्ती में हमास इन सबको तो सपोर्ट करती रहती है मगर ईरानी टेररिस्ट अदरवाइज़ आपको कभी भी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे कभी उनका नाम नहीं आता शायद उसकी वजह यह है कि जो ईरानी रहते हैं ईरान से बाहर वो तो इतने मॉडर्न हैं वो इतने शदीद टेर्रज़म के ख़िलाफ़ हैं इसलिए उनका नाम नहीं आता इवन ठीक है सऊदियों का नाम आया था नाइन अलेवन में दुनिया की सबसे ख़तरनाक टेर्रिज़्म थी मगर उसके बाद बहुत कम अरब लोग हैं जिनका नाम टेर्रज़म में आता है तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों का नाम इसमें काफ़ी ज़्यादा आता है तो इस सारी सूरत हाल में फिर एक्शन और रिएक्शन चल रहा है देखिए अनफॉर्चुनेटली ये एक बुरा फ्रेज़ है आ, मैं इसको इंडोर सर्गज नहीं करता पाकी कहना अब ये पाकी कहने का जो एक मगरबी दुनिया में एक रुझान है ये कोई आजकल का नहीं है ये दहाइयों से चला आ रहा है और अब तो ये सिचुएशन है कि जो भी लोग मगरबी दुनिया को पसंद नहीं होते जरूरी नहीं कि उनका तलब पाकिस्तान से हो ईवन वो इंडियन भी हो ईवन वो सरदार कम्युनिटी के हो ईवन वो आ, मिडल ईस्टर्न कम्युनिटी के हो, उनको भी कोर्ट एंड कोर्ट जो वाइट लोग हैं वो पाकी कह देते हैं तो ये ये यानी पाकि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं रहा ये बस लेकिन ये निकला बुनियादी तौर पर इंग्लैंड से लफ्ज पाकिस्तानियों से था और यह कोई पचास साठ साल पुराना लफ्ज है कि भाई ये आ, क्यों ये लफ्ज निकला कोई एक्शन और रिएक्शन था मुझे मैंने एक दफ़ा एक ब्रिट से पूछा कि भाई ये कोई इसकी ओरिजिन है एक ब्रिट जर्नलिस्ट दोस्त हैं तो उन्होंने कहा कि गलबा ये नाइनटीन सिक्सटीज़ में जो पाकिस्तानी जिन्होंने ब्रिट औरतों से शादियाँ की तो उसके बाद उनका ये ख्याल था बरतानिया के लोगों का कि ये लोग जो होंगे वो कल्चरली चेंज हो जाएंगे मगर वो ना चेंज हुए वो अब्यूज़ करते थे और मारते थे और फिर एकदम से मजहबी अपने रुझाना ले आते थे तो फिर एक वहाँ पर ये असलाह आई कि जी ये बदलने वाले लोग नहीं हैं ये कोट अनकोर्ट बाकी है अगरचे बरतानिया की एक, आ, एक अदालत ने कोई मेरा खाली पंद्रह बीस साल पहले ए, इसको कंडेम किया था और इस लफ्स को रेसिस करार दिया था और मेरे नजदीक भी ये लफ्स रेसस्ट है और यह लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता तमाम कलर्ट कम्यूनटीज़ uh, के लिए इस्तेमाल होता है मगरबी दुनिया में लेकिन हमें रियलिस्टिकली ये भी देखना है कि अब ये जो एक्शन और रिएक्शन का माशरा है अब जो यहाँ पे आ, जो खास मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं चाहे वो अफ्रीका से आई हुई हों चाहे वो साउथ एशिया से आई हुई हों वो अपनी दुनिया ख़ुद वहाँ पर अपने लिटल देश बनाने के चक्कर में होते हैं चाहे कनाडा हो चाहे अमरीका हो चाहे बरतानिया हो चाहे जर्मनी हो तो उसके नतीजा में फिर अब मगरबी दुनिया में वेस्टर्नर्स का एक रिएक्शन आ रहा है सामने और जैसे लंडन ऑनटेरियो में गलबन साल डेढ़ साल पहले एक फैमिली को रन ओवर करके मार दिया था एक नौजवान ने आपने और मैंने पिछले हफ्ते ही हैमिल्टन में देखा कि एक पाकिस्तानी कपल जा रहा था दो छोटी बच्चियाँ उनके साथ वॉक कर रही थी तो लोग रेसिस्ट रिमार्क्स गाड़ियों से गाड़ियों के शीशे खोल के उनके ख़िलाफ़ दे रहे थे ठीक है इन बड़े शहरों में टोरंटो में इस तरह आ, आ, हमारे जो साउथ एशियन बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस भी हैं वो सब शोर डालते रहते हैं इस्लामोफोबिया की बात करते रहते हैं लेकिन इससे जो रिएक्शन है मगरबी दुनिया के लोगों का चूँकि यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है घर मास इमिग्रेशन की वजह से कम पड़ रहे हैं फिर लोग कल्चर में सिमिलेट नहीं हो रहे कैनेडियन वैल्यूज़ को नहीं सिमिलेट कर रहे तो इस वजह से एक रिएक्शन बढ़ रहा है बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं तो आ, मैं ये समझता हूँ कि अब सोचने की ज़रूरत है इमीग्रेंट कम्यूनिटीज़ को भी कि जब वो मगरबी दुनिया में मूव की हैं तो यकीनी तौर पर यह सोच कर मूव की है ना कि वो मगरबी समाजों को कबूल करेंगे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जो कम्यूनिटीज़ हैं वो क्यों नहीं अपने आप को कैनेडियन रंग में डाल रही हैं मैक्सिमम हद हाँ तक क्यों वो अपने आप को आइसोलेट रख रही हैं और उसके नतीजा में फिर क्यों एक रिएक्शन बिल्ट हो रहा है मैं ये सवाल दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि जब वो लोग कनाडा अमेरिका बरतानिया यूरोपियन दुनिया में गए हैं तो बिला शुबा ये सोच कर गए हैं ना कि यहाँ पहुँच के हम लोग आ, इन माशरों का हिस्सा बनेंगे तो वो क्यों इन माशरों का हिस्सा नहीं बन रहे क्यों वो अपने अपने लिटल लिटल, लिटल जो हैं है उन्होंने बनाए हुए हैं ठीक है अपना कल्चरल जो उनका हेरिटेज है वो किसी हद तक बरकरार रखें मगर कल्चर और रिलीजन में फर्क होता है वैसे भी कल्चर की हर चीज बुरी नहीं होती जो आप साथ लाते हैं और हर चीज अच्छी भी नहीं होती ऐसे ही क्योंकि आप जब एक बेहतर सोसाइटी में आते हैं तो आपके पास पॉइंट्स होते हैं लर्निंग के जिसमें आप कुछ चीजें बेहतर करते हैं जब आप पिछली कुछ चीजें डिस्कार्ड करेंगे तो कुछ बेहतर चीजें एडॉप्ट कर सकेंगे जब आप सारा ही उसको करेंगे तो एक अजीब सा वो होगा चलिए अब आते हैं भारत की तरफ भारतीय फॉरेन मिनिस्टर के बयान का जायजा लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं क्या आप समझते हैं कि फॉरन मिनिस्टर जयशंकर ने ये बात खुलकर कही है इसके क्या मकसद है देखिए जयशंकर जी पर आ, खुल के ये पैगाम दुनिया को भी देना चाह रहे हैं भारतीयों को भी बताना चाह रहे हैं और चीनीों को भी बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे तलक़ात अच्छे नहीं हैं और उन्होंने ये बात अभी चीन के रीसेंट विज़िट के बात की है और क्वाड का भी क्वाड के जो फॉरन मिनिस्टर्स हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं जिसमें अमरीका भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है तो वहाँ पर भी जयशंकर साहब ने कहा है कि ये जो टॉक शॉप नहीं थी कोर्ट का इजलास ये बड़ा कंक्रीट इजलास है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय सरकार खुल के दुनिया को बता रही है कि भाई चीन आ, हमारे जो आ, वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है शायद उसका नाम उसमें वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स थे चाइना उस पर अमल नहीं कर रहा साफ उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि भाई चाइना के साथ हमारे तलाकात अच्छे नहीं हैं अच्छे हो सकते हैं अगर चाइना जो हम हमारे साथ उसने तय किया था अगर उस पर अमल करे, चाइना ने आज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फौजें बिठाई हुई हैं और वहाँ पे जो खबरें आती हैं वो वायलेशन होती रहती हैं फिर इसी तरह साउथ चाइना सी में भी चाइना की जो मशकें हैं जंगी मशकें हैं वो जारी रहती हैं तो ये भारत के लिए भी कंसर्न है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कंसर्न है अमेरिका तो दुनिया का पुलिस मैन है ही उसके लिए भी कंसर्न है और जापान के लिए भी कंसर्न है तो इस सारी सिचुएशन में काफ़ी टेंस सिचुएशन है और ये बात जयशंकर जी का चाइना के दौरे के फ़ौर बाद कहना वो बड़ा मीनिंगफुल है वो दुनिया को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई मेरी मीटिंग ज़रूर हुई है हमने बड़ी बातें की हैं और नतीजा यही निकला कि हमारे तल्क़ अच्छे नहीं है चाइनीज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और चाइनीज़ को उन्होंने खुल के कह दिया भारत की आवाम को भी कह दिया कि भाई मैंने जो मीटिंग की है आप जानना चाहते होंगे कि उस मीटिंग के क्या रिजल्ट्स हैं तो इस रीसेंट मीटिंग के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचाऊँ कि हमारे तलक्य अच्छे नहीं हैं हमारी जो टेंशनस हैं वो प्रिवेल करती हैं और उनके मुताबिक चाइना उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा चलिए एकदम से भारतीय सरकार ने यूक्रेन का के विजिट का ऐलान किया है पीएम मोदी ने तेईस अगस्त को जाने का ऐलान किया है इस सरप्राइज ऐलान से आप कितने सरप्राइज हुए हैं या ये किस किस तरफ को जा रहा है देखिए ये बाकी एक सरप्राइज है अनाउंसमेंट भारत की सरकार की तरफ से कि पीएम मोदी तेईस अगस्त को यूक्रेन जाएंगे क्योंकि अभी रिसेंटली पीएम मोदी जब रशिया गए थे और व्लादिमिर पुतिन से गले मिले थे उनके पुराने ताल्लक हैं इंडिया और रशिया के तो उस पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ये डिसपॉइंटमेंट है भारत के प्राइम मिनिस्टर एक जो खूनी आदमी है उससे गले मिल रहे हैं तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूक्रेन जाने का जो ऐलान है वो वो काफ़ी सरप्राइज ऐलान है और मेरे लिए इम्पॉटेंट भी है और सब के लिए इम्पॉटेंट है ये समझना कि आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर मोदी इस विज़िट से क्या हासिल करना चाहते हैं क्योंकि जब वो रशिया गए थे तो उस पर सिर्फ यूक्रेन का ही नहीं था तनकीदी बयान अमेरिका का भी तनकीदी बयान था यूरोपियन ममालिक भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे तो अब एक तरह से वो बैलेंसिंग एक्ट के लिए जा रहे हैं पहले तो उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया था क्योंकि इंडिया के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे तलक हैं यूरोप के साथ बहुत अच्छे तलक हैं तो रशिया के साथ भी अच्छे तलकात हैं रशिया से उनकी पुरानी आ, असले की ट्रेड है तेल की भी अभी तक ट्रेड चल रही है तो वो बैलेंस एक्ट था रशिया को मिलने के लिए अब रशिया गए हैं तो उन पर दबाव बहुत आया है तो अब वो बैलेंस एक्ट को फर्दर रीबैलेंस करने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं लीग तो ये दिखती है। दूसरा यूक्रेन का भी कहना है आ, इंडिया को और वेस्टर्न वर्ल्ड का भी कि इंडिया अपना किरदार अदा कर सकता है पीस आ, के सिलसिले में और रूस को कन्विंस कर सकता है कि रूस पीछे हटे यूक्रेन की जो अंदर घुसा है प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अभी अपने रीसेंट विजिट में साफ कह चुके हैं प्रेजिडेंट पुतन को कि ये जंग पहले तो उन्होंने कहा था यह जंग का जमाना नहीं है अब उन्होंने कहा कि भई ये मसाइल जंग में हल नहीं होते और बड़ी उन्होंने इमोशनल बातें कि उन्होंने कहा जो बतल जो बच्चे मर रहे हैं वो बड़ा दुख होता है ये सब कुछ देख के तो इस सारी सूरत हाल में मुझे तो ये भी दिख रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड और यूक्रेन की जो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या भारत अपना किरदार अदा करे चूंकि अल्टीमेटली ये भी उनको नजर आ रहा है सबको कि ये जंग यूक्रेन या वेस्टर्न वर्ल्ड जीत भी नहीं सकते तो अब कैसे यूक्रेन और वेस्टर्न वर्ल्ड जंग से बाहर निकले और रूस के लिए भी ये मसला है कि उसको भी कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी मिले तो इन दोनों को एग्जिट स्ट्रेटजी देने के लिए हो सकता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये काम बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए बिहाइंड द सीन भी कर रहे हों चलिए अब आते हैं इसराइल हमास लड़ाई के बाद इसराइल और इसराइल हिजबुल्ला की झड़पें फैल रही हैं क्या मिडल ईस्ट की ये जंग कोई खतरनाक हाल इख्तियार कर सकती है ये हमेशा से हमेशा का सवाल है देखिए ये सूरत हाल खतरनाक रुख ऑलरेडी इख्तियार कर चुकी है और इसराइल और हमास की झड़पें या लड़ाई या जंग बल्कि शदीद जंग जो है वो एक तरफ़ नहीं हो रही जब से ये हमास ने टेर्रज़म की थी सात अक्टूबर 2023 को उसके बाद हूती ने भी कई अटैक इसराइल पे किए इसराइल ने भी उन पे अटैक किए हिजबुल्ला के अटैक लबनान से हो रहे हैं अब इसराइल भी अटैक साथ साथ कर रहा है लबनान के ऊपर ये रीसेंट सिचुएशन ये रीसेंट ये सवाल एग्रवेट इसलिए किया कि अभी गुलान हाइट्स पे जो इसराइल का इलाका है वहाँ पे हिजबुल्ला का अटैक हुआ और बारह इसराइली बच्चे उसमें मारे गए और भी कुछ लोग जख्मी हुए तो उसके बाद इसराइल ने कहा था कि हम शरीर अटैक करेंगे आ, उन्होंने शरीर अटैक किया है हिजबुल्ला के ठिकानों पर और ये ये अटैक जैसा मैंने कहा मतलब 2023 हज़ार तेईस और सात अक्टूबर के बाद चल रहे हैं ऑन एंड ऑफ लेकिन अभी रिसेंटली हुतियों ने भी तेलवीब इसराइल के शहर पर मिज़ाइल हमले किए थे वो भी ख़तरनाक वाक था तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जो जंग के शोले हैं वो ठंडे नहीं पड़ रहे वो बल्कि और भड़कते जा रहे हैं तो जंग के शोलों का यूँ भड़कना उस रीजन के लिए काफ़ी ख़तरनाक है अमेरिका में आ, जैसे और बहुत सारी तब्दीलियाँ इलेक्शन भी आ रहे हैं तो वहाँ पे बहुत आ, अपसेट हैं इस्टेबलिशमेंट के लोग के कैसे हम इन जंग के शोलों को ठंडा करें अमरीका के आ, स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन मेरे ख्याल सात दौरे जब से ये जंग शुरू हुई है रिसेंट वाली सात दौरे में ईस्ट के कर चुके हैं कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा और अगर ये जंग और फैलती है तो इसराइल के लिए ज़्यादा चैलेंजेस होंगे इसलिए कि इसराइल पर मगरबी दुनिया का भी दबाव है सीज़ फायर के लिए अमरीका का भी दबाव है कैनेडा का भी दबाव है और जो आ, मुस्लिम कम्यूनिटीज़ रहती हैं इन मुल्कों में उनका भी शदीद दबाव है आ, इन मुल्कों के लीडरों पर चाहे जो बाइडन हो टूडो हों या यूरोपियन लीडर्स हों तो इस सारी सूरत हाल में इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो एक जगह हमास के साथ लड़े दूसरी जगह पे अब नया महाज हिजबुल्लह के साथ वाज तौर तो पर खुल रहा है वैसे तो जड़पें हो रही थी अब अगर बाकायदा जंग शुरू हो जाती है हूतियों के साथ बाकायदा जंग शुरू हो जाती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा ऑफ कोर्स उसका नतीजा बहुत ख़तरनाक निकलेगा और मिसाइल जो हैं वो और बढ़ेंगे ना सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मसाइल बढ़ेंगे तो ये जो जंग है ये थमती नज़र नहीं आ रही ये बल्कि आगे और फैलती नजर आ रही है आइए पाकिस्तान की सियासी सूरत का जायज़ा लेते हैं कि क्यों इमरान खान यू टर्न एक बार फिर ले रहे हैं और फौज के साथ मुजाकर के लिए तैयार हैं इस पर कुछ तबसरा कीजिए देखिए इमरान खान यू टर्न लेने के बादशाह हैं और वो खुद भी कहते हैं कि यू टर्न बड़े लीडर ले सकते हैं तो वो यू टर्न लेते रहते हैं वैसे भी यू टर्न पॉलिटिक्स का हिस्सा है आई हैव टू बी फेयर सिर्फ मैं इमरान ख़ान की बात नहीं करता आ, पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ हर पे आखिर नहीं है आ, अब इमरान खान फौज के साथ मुजाकर की जो बात कर रहे हैं को पहली बार नहीं कर रहे वो तो मुसलसल कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की फ़ौज ही आ, फैसला कन हैसियत रखती है और अगर मैं किसी से बात करूंगा तो फौज से करूँगा ये उन्होंने हमेशा डायरेक्टली भी कहा है और अपने लोगों के ज़रिए इनडायरेक्टली भी कहा है अब की बार जो वो कह रहे हैं कि फौज अपना एक नुमाइंदा मुकर करे मैं फौज के साथ बैठना चाहता हूँ तो बात करना चाहता हूँ तो वो अब यूं ही लगता है कि फौज भी शायद इसमें इंटरेस्टेड है फ़ौज के भी पाकिस्तान में कोई ए, ए, कोई ऐसी हरफ आखिर बात नहीं होती पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर हैं उनमें से कोई भी हरफ आखिर बात नहीं होती वो सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े स्टेक होल्डर यही देखते हैं कि भाई कहाँ पर उनके इंटरेस्ट एल होते हैं और कहाँ पर क्लैश करते हैं अब पाकिस्तान में चूँकि इंटरेस्ट क्लैश कर रहे थे पी टी आई के और पाकिस्तानी फ़ौज के तो वो उनकी आपस में कोई बातचीत का इम्कान नहीं था अब पी टी आई ने महसूस कर लिया खुद से ही ये फ़ौज नहीं झुकी है इनफैक्ट पी टी आई झुक रही है पी टी आई को महसूस हो गया कि भई हम इस फौज को नहीं झुका सकते ये पाकिस्तान में ऑल एंड ऑल है तो फिर इन्हीं के साथ बैठ के बात की जाए अगर हम इसी तरह ही हटदर्मी पर चलते रहे तो पता नहीं कब तक जेलों में रहेंगे और कोई भी हमारे लिए पॉलिटिकल रास्ता हमवार नहीं होगा तो इमरान ख़ान ने अब फौज को ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर दिया है फ़ौज हमें ये लगता है जो पाकिस्तान से ख़बरें आ रही हैं कि फौज ये देख रही है कि क्या ये लोग फौज के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चला रहे हैं फ़ौज को जो पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं उनके मुताबिक वैसे तो पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में जो पी टी आई बातें कर रहे हैं वो स, वो सच्ची बातें हैं ज़्यादातर ये अलग बात है कि पी टी आई कल को तब्दील हो जाएगी और अपने ही मौक़ को तब्दील कर देगी जैसा कि हमने देखा इमरान खान जब पावर में थे तो तब ये फ़ौज के बड़े बड़े हामी थे इनके लोग भी सारे हामी थे फिर जब इन पर क्रैकडाउन शुरू हुआ तो ये खिलाफ हो गए तो अब ये फिर वही उसी पुरानी पोजिशन में वापस जाना चाहते हैं पी टी आई के लोग और इमरान खान की क्यादत में कि भाई ठीक है हम फिर घीशा करोने की कोशिश करते हैं लेकिन इतना तलकत में बिगाड़ पैदा हो चुका है इनमें और फ़ौज के मबहन तो इसमें कोई रातों रात तो कोई दुरुस्तगी हो कि नहीं वक्त लगेगा लेकिन लगता यही है कि पी टी आई और पाकिस्तान की फ़ौज ने एक दूसरे के साथ बातचीत के दरवाजे खोलना शुरू कर दिए हैं मगर इ्स नॉट गोना हैपन सम सम गुड थिंग फॉर पीटीआई पॉइंट ऑफ व्यू इन अ मंथ टाइम टू मंथ टाइम उसमें कुछ साल दो साल का वक्त लगेगा अगर ये इसी तरह ट्रैक पे चलते रहे चलिए अब आखिर में बात करते हैं यूएस इलेक्शंस कैंपेन कम्पेन के हवाले से हैरिस और ट्रम्प कैंपेन को आप कैसे देखते हैं देखिए कमला हेरिस एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया कि वो अब रेस में आ चुकी हैं ट्रंप पहले ही रेस में है क्योंकि जो बाइडन की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे था और डेमोक्रेट चाहते थे, थे कि जो बाइडन रेस से बाहर जाए अल्टीमेटली वो कन्विंस हो गए रेस से बाहर चले गए अब हैरिस जब रेस में जिस दिन आई थी तो वो थोड़ा सा एक दो पॉइंट पीछे थी अब जो पोल्स बताते हैं वो एक दो पॉइंट ट्रंप से आके हैं बहुत सारी बातें कही जा रही हैं अमेरिका में कि जी अमेरिका में एक कलर्ड का प्रेसिडेंट होना बहुत मुश्किल है अभी अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ये हो भी सकता है क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ भी बहुत लोग मतलब अमेरिका इज ऑलमोस्ट डिवाइडेड 50 फिफ्टी सिचुएशन। देखिए कलर्ड होने का तो मैं समझती हूँ ओबामा ऑलरेडी बिन थ्रू दैट एंड ब्रोकन राइट हाँ ये सवाल इंटरनेशनली हमेशा से रहा है औरत एज लीडिंग या प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द ये United, बहुत बड़ी बात ये है ये प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट होना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है और फिर उस पर फीमेल का आना क्योंकि हम हिस्टोरिकली अगर देखें तो हम इंग्लैंड में ये तजर्बा हो चुका है टर्की में ये तजर्बा हो चुका है आ, पाकिस्तान में ये तजर्बा हो चुका है तो अब मेरा ख्याल है कि इतनी चेंजेस हैं पॉलिटिकल चेंजेस हैं कि ये भी एक खुशाइन तब्दीली हो सकती है आपका क्या ख्याल देखिए खुशाइन तब्दीली इस हद हाँ तक तो ठीक है कि कमला हैरिस एक औरत के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ द तो यूनाइटेड स्टेट्स बने और इसके काफ़ी चांसेस भी हैं ऐसी बात नहीं इस हद हाँ तक तो खुशाइंद है मैं इसको एंडोर्स करता हूँ कि एक कोई भी औरत अगर यूनाइटेड स्टेट जैसे पावरफुल मुल्क की हेड ऑफ द स्टेट बनती है तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है लेकिन सिर्फ़ इस बात के लिए कि कमाला हैरिस एक औरत हैं तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए जो इस वक्त के दुनिया के हालात हैं तो उस एंगल से मैं इस जज्बाती बात को जज्बाती समझता हूँ क्योंकि इस वक्त दुनिया के दो तीन बड़े मसाइल हैं जो इस्पेली मगरबी दुनिया को दरपेश है एक तो यूक्रेन रूस की जंग एक ये मिडल ईस्ट की जंग और एक ये चाइना के साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड के मसाइल है इसके लिए बहुत आ, जो कहते हैं ना फर्म किस्म का लीडर चाहिए अब इन दोनों कैंडिडेट को जब हम देखते हैं हैरिस और ट्रंप को तो ट्रंप रिलेटिवली फर्म दिखते हैं लेकिन मैं ट्रंप का भी कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं अब मुझे तो चुनना है आ, उसको जो गिवन सर्कमस्टांसिस हैं उनमें चुनना है कमाला हैरस एक लाइक औरत हैं मगर उनके जो ख्याल हैं वो थोड़े से एक्सट्रीम लेफ्ट के हैं अच्छा ट्रंप बोंगिया भी मारते हैं उनके ख्याल जरा एक्सट्रीम राइट के हैं मगर अमेरिका चूंकि दुनिया में बहुत अहम किरदार अदा करता है तो इस वक्त दुनिया के ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं यूक्रेन रूस यूरोप और मिडल ईस्ट दुनिया की इकॉनमी चीन और वेस्टर्न वर्ल्ड के तल्क ये शायद ट्रम्प इनको रिलेटिवली बेहतर तरीके से हैंडल कर ले मैं ये नहीं कहता कि कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो इनको हैंडल नहीं कर सकेंगी वो भी हैंडल कर लेंगी वो इसलिए हैंडल कर लेंगी कि ये फैसले अमेरिकन डीप स्टेट के हैं अमेरिकन इस्टेबलिशमेंट के हैं लेकिन ट्रम्प चूंकि जरा वाज तौर पर उनका नुकसान नजर हमारे सामने है तो उनके सदर बनने से काफ़ी हलचल होगी दुनिया में कमाला हैरिस के सदर बनने से दुनिया एज इट इज़ चलती रहेगी और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा कांटेदार मुकाबला है ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कमाला हैर से कौरत होने की वजह से हार जाएंगे अभी तो वो बल्कि आगे जा रही है आज का बिला तकलफ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.